भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे मैच वेलिंगटन में 3 फरवरी से खेला जाना है। रविवार को होने वाले इस मैच में मोहम्मद शमी की वापसी बताई जा रही है। जी हां, खबरों की माने तो हाल ही में भारतीय टीम मैनेजमेंट से खबर आ रही है कि मोहम्मद शमी आखिरी वनडे के लिए अवेलेबल होंगे, साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की भी वापसी होगी। शमी का ना खेलना भारत को थोड़ा सा महंगा पड़ा था क्योंकि खलील अहमद गेंदबाजी कर रहे थे। खैर, भारत चौथे वनडे में 92 रनों पर ऑल आउट हो गया था, तो गेंदबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ना कहीं से भी सही नहीं था। भारतीय मिडिल ऑर्डर पर भी सवाल उठे थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के वापस आने से भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत हुई है। बड़ी बात यह है कि अगर भारत ढंग से प्रदर्शन करेगा और बेहतर क्रिकेट खेलेगा तो आसानी से जीत दर्ज कर सकता है। रोहित शर्मा, शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी पर ज्यादा दारोमदार होगा क्योंकि अंबती रायडू से मिडिल ऑर्डर में कुछ खास उम्मीद है नहीं। ऐसे में अगर अंबती रायडू खेलते हैं और फ्लॉप होते हैं तो कोई ज्यादा हैरानी नहीं होगी। अब यह भी देखना होगा कि शुभमन गिल को क्या आखिरी वनडे मैच में मौका मिलता है क्योंकि अब उन्हीं पर गाज गिर सकती है, वो सबसे जूनियर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।